तालिबान अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं और उनकी इस प्रोसेस में अब हमने एक नया मोड़ देखा है, एक नई डेवलपमेंट देखी है कि जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से उनके साथ लेन देन करने की इजाज़त दी गई, इंटरनेशनल एंटिटीज़ को भी उन्होंने कहा है कि आपने भी इनके साथ सपोर्ट करना है। अब ये एक अहम कंसर्न है जहाँ पर वो यूनाइटेड स्टेट्स, बाइडन के हाल ही में हम जो है स्टेटमेंट सुन रहे थे वो उनको धमकियाँ दे रहे थे, इवन जब ये इवैक्यूएशन प्रोसेस हो रहा था और इनखला की तरफ अमरीकी फौजी जा रहे थे, उस वक्त भी हमने क्लियरली देखा कि वो बार बार बाइडन के स्टेटमेंट्स में धमकी झलकी और कहीं ना कहीं उनकी शिकस्त भी जो थी वो भी बहुत ज़्यादा वाजे थी। अब उनकी तरफ से एक नया मोड आया है इन द एंड या इवेंचुअली कह लें हम कि ये चेंज इसलिए आया है क्योंकि उन्होंने बताया जा रहा है कि तालिबान ने रिक्वेस्ट किया उनसे क्योंकि अंदर उनके जो अंदरूनी मामला था उसमें बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रही है। इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, खिताए ज़मीन फतह करना वॉरियर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो ज़मीन फतह कर लेते हैं, उनके पास असला होता है, लश्कर होता है और वो जीत भी जाते हैं। उसके बाद जो मेन काम होता है हुकूमत बनाना और हुकूमत चलाना जी। और उस हुकूमत को दूसरे अकवाम से तस्लीम करवाना और उनके साथ तजारत और लेन देन करना। तो ये अब जो तालिबान हैं वो उन्होंने अपना खिताए ज़मीन तो वापस ले लिया और अमरीकनों को वहाँ से फारग कर दिया, वो चले गए एब्रप्टली, चले गए अचानक और छोड़कर। तो अब इनके ऊपर बहुत से चैलेंजेस हैं, इनको हुकूमत बनानी है, फिर बना कर चलानी भी है। तो देखें, हुकूमत चलाने के लिए आजकल पूरी दुनिया में ये बैनुल अक्वामी सिस्टम है, आपका तजारत का, रुपए का, लेन देन का, करेंसी का। तो जब तक आपकी हुकूमत रिकॉग्नाइज ना हो, सर यहीं पे यही कनेक्ट करना चाह रही थी मैं और यहीं पे आपसे जो दूसरा सवाल कनेक्ट करूंगी कि जैसे आप कह रहे हैं कि तस्लीम करवाना अपना जो खिता है, खिता ज़मीन, वो तस्लीम करवाना यानी उनकी अपनी हुकूमत, अपनी सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट को एस्टेब्लिश करना, ये करना। सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जब हम देखते हैं, लेकिन उसके बाद ही तजारत और तमाम मामला जो हैं वो एस्टेब्लिश हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हम देख रहे हैं कि अपेरेंटली या वर्बली तो सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट को अफगानिस्तान की एक्सेप्ट नहीं किया किसी ने भी टेक्निकली, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स इवेंचुअली उनको सपोर्ट करने में लग गए, उनके साथ बायलैटरल टू मल्टीलैटरल टाइज में लग गए हैं। जिस तरह चीन तो सामने काम में सपोर्ट भी कर रहा है, पाकिस्तान के भी स्टेटमेंट्स क्लियर हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से अगर ये स्टैंड सामने आता है तो ये बात तो वाजह हो गई कि वर्बली तो सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन जो सेकेंड प्रोसेस होता है उसके ऊपर जंप इन कर लिया है। क्या ऐसा ही है सर? ये आपने सही है, मतलब डायरेक्टली नहीं कर रहे तो इनडायरेक्टली वही काम कर रहे हैं जो डायरेक्टली नहीं, जो दूसरे स्टेप में किया जाता है। जी जी, ये हमारे यहाँ लॉ में प्रोपोजिशन भी है कि व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली। तो आप इनडायरेक्टली वही काम कर रहे हैं जो आपको डायरेक्टली प्रोहिबिटेड है अंडर देयर ओन रूल्स या अपने लोगों से बचाने के लिए। तो उनमें इतनी अखलाक की जरूरत नहीं है कि वो डायरेक्ट ये कहें।